same concept. क्या होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट में, सुनो, जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो रेवेन्यू को और कॉस्ट को मैच करते हैं। जैसे हम प्रॉफिट निकालते हैं, इधर हम क्या लिखते हैं कॉस्ट, इधर क्या लिखते हैं रेवेन्यू। तो जितनी हम रेवेन्यू, जितना माल बेचेंगे उसी का रेवेन्यू लिखेंगे और तब हम प्रॉफिट निकालते हैं। मतलब रेवेन्यू का मतलब हो गया क्या, इनकम, और कॉस्ट हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो कॉस्ट ऑफ परचेजेस है। तो मतलब ये हो गया, यदि आपने माल खरीदा 2 लाख का, परचेज कितनी हो गई सपोज, और आधा माल 1,80,000 में बेचा, आधा माल, तो यहां पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट। ये तो लॉस आ रहा है इधर, ये तो कम है और ये ज्यादा है, आधा बच गया ना, तो आधे माल को इधर लिखते हैं, इसमें से आधा लिखेंगे काट के, कितना, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब कुछ लोग जिनको मैचिंग नहीं आता वो क्या करेंगे, माल तो खरीदा 2 लाख का, आधा बेचा 180 में, 180 को 200 में बढ़ाएंगे और क्या बोलेंगे, क्या यार मुझे तो 20,000 का लॉस हो गया यार। वो क्या भूल गए, तो ये इसका मतलब है जितना माल बेचा उतने ही माल की कॉस्ट माइनस करो। फिर से सुनो, एग्जांपल, गुड्स बॉट कितने का, हाफ ऑफ अबव गुड्स सोल्ड फॉर 180, प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है, 80। कोई कहेगा कैसे आया प्रॉफिट ऑन सेल, कैसे आया, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है 180 माइनस हाफ ऑफ 2 लाख इक्वल्स टू कितना, बोलो, 180 माइनस व्हाट इक्वल्स टू 80,000। ट्रायल बैलेंस ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तभी तो उसकी एंट्री करते हैं क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। अच्छा सर, इसमें एडजस्टमेंट होगा तब आएगा, प्रॉफिट एडजस्टमेंट से, ये एडजस्टमेंट ही तो है, अभी बताएंगे ना, एडजस्टमेंट वाला टॉपिक अभी आया नहीं ना, अभी तो मैंने कहा था ये टॉपिक कब ज्यादा समझ आता, ये आप समझ लो मेरी बात, वही फील हो रही है नहीं हो रही, अभी अपने फाइनल अकाउंट तो किए नहीं, मगर स्कूल वाले ये दे रहे हैं एग्जाम में, ये तो स्कूल वालों की गलती है ना, मैं तो इसीलिए नहीं कराता जब तक फाइनल अकाउंट ना हो जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बोलो, अब सुनो आगे, सुनिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? और ये कॉन्सेप्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है, करेक्ट डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। जब तक आप मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, इफ मैचिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट अप्लाइड, करेक्ट प्रॉफिट कैन नॉट बी कंप्यूटेड। इफ मैचिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट अप्लाइड, करेक्ट प्रॉफिट कैन नॉट बी, जब तक मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा तब तक क्या नहीं होगा, करेक्ट प्रॉफिट कंप्यूट नहीं होगा। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल दिया तो इट इज प्रूवन फ्रॉम द above example that it is proven from the above example yes. clear bolo bachcho done
हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये समझ आ गया मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। अब एक आप मुझे करके बताना, देखो 100 केजी गुड्स बॉट 1,00,000 का, कैरेज 20,000, क्या 80 केजी सोल्ड 1,50,000 का, प्रॉफिट कितना हुआ? 80 केजी सोल्ड 1,50,000 कैसे निकाला? आपने सेल्स ले लिया कितना, और माइनस 1,20,000 का, यही तो मैचिंग कॉन्सेप्ट है। तो जुड़ते हैं, जो माल की कॉस्ट में जुड़ जाते हैं, कैरेज, जब माल को लाने के लिए, दुकान तक लाने के लिए जो कैरेज पे किया, तो कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा। जैसे मशीन खरीदते हैं तो मशीन की कॉस्ट में जोड़ते हैं, ऐसी माल की कॉस्ट में जोड़ते हैं। यदि स्टॉक निकालते हैं 150 में से 96 माइनस करो, कितना आया? 96 था ना, ये आ गया बच्चों। और इसको बच्चों लोग ऐसे बनाते हैं, जब हम ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं ना, पीएल, तो यहाँ लिखते हैं, देखो इधर टू परचेजेस, इसी, ये तो आपने एड लेस से कर दिया ना, इसको लोग किस में निकालते हैं, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, टू परचेजेस, टू कैरेज, बाय सेल्स कितने केजी की, और बाय स्टॉक, ये देखो कितना आया था क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान से देखना आप, बताओ कैसे आया? 1,20,000 माल, 100 केजी की कॉस्ट थी, कितने केजी बच गया? तो 20/100 कर दो ना, यहाँ आ जाएगा टू प्रॉफिट। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, मतलब मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है, जब तक आप इधर क्या नहीं लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक, मतलब सेल्स, जितने माल की सेल्स है, देखो इधर 80 केजी की सेल्स है, माइनस कॉस्ट ऑफ कितने केजी, ये प्रोपोर्शनेट कॉस्ट है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट। 80 केजी माल बिका तो 80 की कॉस्ट घटाओ। मान लीजिए बच्चों सिंह साहब की दुकान पे 100 टायर आए एमआरएफ के 10,00,000 रुपए के, 80 टायर्स बिक गए 9,00,000 के, तो इनको प्रॉफिट तो हुआ ना, लॉस कोई हुआ? कितने टायर्स बिके? 80, कितने के? 90, और आए 100 टायर्स, तो 2,00,000 के टायर तो बचे हुए हैं अभी, तो 9-8, और अगर आपने 9-10 किया तो गलत आ जाएगा ना। आप 80 टायर्स के सेलिंग प्राइस में से क्या कर रहे हो, 100 टायर्स की कॉस्ट, विच इज रॉन्ग, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। जितना माल बिका उसमें से उतने ही माल की कॉस्ट, भाई समझ, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब आ जाओ बच्चों अक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक बात सुनो बच्चों, क्रेडिट सेल्स इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड, जबकि आपको पैसा
मगर आप मान ले तो आपने कमा लिया, क्रेडिट सोर्स इज रिकॉर्डेड ड्यू टू विच कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या है? जब आप अपनी बुक्स बनाते हो, फाइनल अकाउंट बनाते हो, तो आपको साल भर के खर्चे लेने हैं, वेदर पेड और नॉट पेड, और साल भर की इनकम लेनी है जो अर्नड है, वेदर रिसीव्ड। देखो 12 महीने आप गोडाउन में किराए पे रहे, गोडाउन आपके पास किराए पे रहा, आप उस खर्चे को लोगे, भले ही अभी तक आपने गोडाउन रेंट पे, और 12 ही महीने के लिए आप इनकम लोगे, कोई भी इनकम, मतलब ये हो गया। जैसे अब आप लोग एक एंट्री करते थे वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्यों करते थे हम? और मैं एक सेंटेंस बोलूं कि यार अकाउंटेंसी में आप तब एंट्री क्या करो जब आप कैश पे करो, जब अक्रू या अराइज और ड्यू हो जाए तो एंट्री मत करो, तो आपका क्या जवाब होगा? अब आपका क्या, नहीं सर हमने तो ड्यू की एंट्रीज भी की है। इसका मतलब जब आपने अकाउंट मुझसे सीखी तो क्या खाली पेड और रिसीव्ड की एंट्री करी ओनली या ड्यू की भी करी? ड्यू की भी करी ना, तो ड्यू की एंट्री का मतलब है आप अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड फॉर अ फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, वेदर पेड और नॉट पेड, ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड वेदर पेड और ऑल बिजनेस एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं चाहे हमने वो पे किए हो। जैसे एग्जाम्पल, रेंट पेड फॉर 10 मंथ्स 60,000, क्या एंट्री होगी? रेंट टू कैश, बताओ साल के कितने महीने होते हैं? और रेंट टू आउटस्टैंडिंग वेज, रेंट ऑफ 2 मंथ्स ड्यू, ड्यू एंड अक्रूड बट नॉट पेड, अब क्या करूं? तो ये एंट्री आप करते हो या नहीं करते हो? ये किस बात का प्रूफ है? अप्रूवल बेसिस। रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, ये किस बात का प्रमाण है? अप्रूवल, दिस इज एन एविडेंस ऑफ कितने हजार? बच्चों ये इस बात का प्रमाण है कि हमें वो खर्चे भी लेने हैं जो अराइज हो गए मगर भी पे, और वो भी लेने हैं जो पेड हो गए। तो पेड और अराइजन 12 महीने के खर्चे लेने हैं, अक्रूवल बेसिस पे लेने, पेमेंट की परवाह नहीं करें क्योंकि खर्चा तो हो चुका ना, खर्चा हो चुका, एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड। अब ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, अच्छा इनकम में भी ये रूल है, एक मिनट, इनकम में भी अक्रूवल बेसिस लगता है। अक्रूवल बेसिस इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन इनकम्स ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 6 मंथ्स
16,000 for remaining 6 months. Interest earned and accrued but not received. क्या एंट्री करेंगे बच्चों? कंपाउंड एंट्री कर दो. Yes, sir. ध्यान से देखना, कैश डेबिट कितना, अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट कितना, टू इंटरेस्ट कितने थाउजेंड, कैश डेबिट अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू व्हाट, रिकॉर्ड करी जो कैश मिली और वो भी रिकॉर्ड करी जो ड्यू हुई, मतलब कैश रिसीव. तो इसका मतलब आप अक्रूअल बेसिस पे क्या करते हो, दोनों रिकॉर्ड. खाली कैश रिसीव या कैश पेड वो आधी अकाउंटिंग है. अकाउंटिंग पूरी कब होगी, जब अक्रूअल. अक्रूअल बेसिस का मतलब है पूरे 12 महीने के खर्चे लो, पूरे 12 महीने की इनकम लो. यदि खर्चे पेड 12 से कम मंथ्स के लिए हैं तो बाकी जो खर्चे अक्रूड हो चुके, अराइज हो चुके, इनकर्ड हो चुके, आप अपने अकाउंटेंट से पूछो और उन्हें भी रिकॉर्ड करो. आपका ये रिएक्शन होना चाहिए कि देखो मुझे सारे खर्चे लेने हैं, भले ही उनका पेमेंट हो गया हो तो भी, और मुझे इनकम भी 12 मंथ्स की लेनी है, भले ही वो कमा ली हो तो भी, और नहीं कमा तो ली हो, भले रिसीव्ड हो गई हो तो भी, ना कमाई हो तो भी, तो नहीं लेंगे, कमा ली हो तो लेंगे. अक्रूड बेसिस पे लेंगे, पेमेंट की या रिसीट की परवाह नहीं करें, क्योंकि उसका रीजन है, सबसे बड़ा एग्जांपल है जब आप क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो तो अभी आपने कमा ली मगर अभी रिसीव, तो आप उसको इनकम मानते हो या नहीं, तो किस बात का प्रूफ है कि हम बुक्स कौन से बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं, बस यही सबसे बड़ा प्रमाण है. इट्स अ बिग एग्जांपल. अब आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट. Thank you.
देखो बच्चों कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या है, उनका ये कहना है कि जैसे हमारी दुकान पे खर्चे होते हैं और इनकम्स होती हैं, जैसे आपने माल खरीदा, तो जब आप माल खरीदते हो तो आपको एक क्या मिलती है, व्हाट डू यू गेट, इनवॉइस। और जब आप माल बेचते हो तो भी क्या इशू करते हो, इनवॉइस। जब आप कोई पेमेंट करते हो किसी को तो आपको एक बिल मिलता है। तो हर बिजनेस ट्रांजैक्शन जो आप बिजनेस में रिकॉर्ड करते हो उसके सपोर्ट में प्रॉपर वाउचर्स और एविडेंसेस रखो कलेक्ट करके, ताकि कल को कोई उसमें चैलेंज ना कर सके कि ये ट्रांजैक्शन हुई भी थी या नहीं हुई थी। जैसे उनका ये कहना है कि आप अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लेते हो, यू टेक विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अप्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो दैट बेसिस यू शुड टेक When you have what solid evidence है, मान लीजिए आपने उधार माल बेचा, तो आप अपने ग्राहकों के नाम पते एड्रेसेस हैं, उनके वाउचर्स लगा दो, इसको बेचा है, तो उसमें क्या होगा, कोई भी बंदा ट्रस्ट करेगा और अकाउंट्स ट्रू डिस्क्लोजर वाले माने। अब मान लीजिए आपने खर्चे तो दिखा रखे हैं बुक्स में, मगर उनकी सपोर्ट में एविडेंसेज, तो क्या वो लोग उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे उस अकाउंटिंग पे? वो कहेंगे यार अपनी मन मर्जी के खर्चे इसने क्या किए होंगे, जोड़ दिए होंगे। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस पे that every transaction should be recorded free from any bias, जैसे bias opinion ना रखो। जैसे मान लीजिए एक आदमी क्या बोलता है, देख यार मेरे से मतलब मैं कोई झूठ कोई बोल रहा हूँ, ये देख ये ट्रांजेक्शन हुई है और ये इसका बिल है और ये मेरी कोई मेरी मर्जी की अमाउंट नहीं है, मैं इसमें बायस नहीं हूँ, जो है एक्चुअल वो यही है, तो तब उसको ऑब्जेक्टिविटी कौन सकती है। तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड प्रोवाइडेड वी हैव सफिशेंट evidences in support of the transaction which can prove later that really transaction have taken place. ये objectivity concept. Keep invoices of purchases as proof. Of transaction. और फिर एक और बात है, जब आप असेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो तो असेट्स की वैल्यू आप पुराने वाला प्रूफ होता है तभी तो दिखाते हो कि मैंने इतने में खरीदी थी। हाउ कैन यू रिकॉर्ड द असेट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट? ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट इज आल्सो सपोर्टिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि आप क्या बोलते हो, देख मैंने ये जमीन खरीदी थी, ऐसे ये चेक से पेमेंट किया था, ये बैंक में एंट्री है, तो वो प्रूफ हो जाता है कि अच्छा ये जमीन इतने की खरीदी, ये कोर्ट में रजिस्ट्री है उसमें लिखा है इतने की खरीदी। अंडरस्टूड? ये है एविडेंसेस, क्या खत्म हो गए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब इसके बाद एक अगला हेडिंग इन्होंने क्या दिया पेज नंबर 2.8 पे, व्हाट्स द न्यू हेडिंग दे हैव गिवन, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशन में भी डिफाइंड एज अ कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस which is adopted either by general agreement or common consent among accounting conventions differ from concepts in respect of the following. Accounting concepts are established by law while accounting conventions are guidelines. देखो बच्चों क्या है, एक्चुअली बच्चों इनको ना ओवरलैपिंग बोलते हैं, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अभी हमने जो पढ़े उनका नाम क्या था, कॉन्सेप्ट। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कन्वेंशन।
कन्वेंशन का मतलब तो बच्चों वैसे तो वही होता है कि जो चलता चला आ रहा है कन्वेंशनली, जो एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग गैप, इनको गैप भी बोल देते हैं ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जो हम अक्सर करते आ रहे हैं, GAAP। अब देखो इसमें एक आता है फुल डिस्क्लोजर, ये पहला कॉन्सेप्ट वो है कन्वेंशन है। बताओ बच्चों फुल डिस्क्लोजर में क्या होता है? बस ये पूरा कर लूँ, फुल डिस्क्लोजर में क्या होता है? जो आप बच्चों फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हो एक ऑर्गेनाइजेशन की, ये जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है बच्चों, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड डिस्क्लोज ऑल मटीरियल फैक्ट्स। अच्छा जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो सही होने चाहिए, प्रॉफिट सही होना चाहिए और असेट्स एंड लायबिलिटीज की भी पोजीशन एक्चुअल होनी चाहिए, ये एक कन्वेंशन है यार। ऑफ कोर्स यार यदि किसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही ठीक, कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता, तो जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट और शुरू से जनरल एंट्री लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ये तो हो गया बुक कीपिंग, अकाउंटिंग शुरू हो गई, ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग P&L, तो आपका ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? ट्रेडिंग एंड P&L शुड डिस्क्लोज क्या? करेक्ट प्रॉफिट। एंड बैलेंस शीट मस्ट डिस्क्लोज ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन of assets and liabilities। बैलेंस शीट को क्या डिस्क्लोज करना है? असेट्स एंड लाइबिलिटीज की ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन, समझा? इसको बोलते हैं ट्रू डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। बस बच्चे ये कल खत्म हो जाएगा।